नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दर्शकों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे आज क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स भी आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का दैनिक राशिफल आप सभी के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल बस कुछ आसान से उपायों के साथ। उसके लिए बस आपको हमें कॉल करना होगा। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो बस देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं कैसा रहने वाला है आज का दैनिक राशिफल आप सभी के लिए। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपय दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगा एक महामंत्र, एक हनुमान जी का महामंत्र, जिसके जाप से मिलेगी सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति, कोर्ट कचहरी मामलों से मुक्ति, शत्रु बाधा से मुक्ति, तंत्र मंत्र टोने टोटके से मुक्ति। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज एक बहुत ही अच्छे समय का आरंभ हो सकता है। फ्यूचर के लिए अपनी प्लानिंग बनाइए और यदि किसी कंफ्यूजन की पोजीशन बन रही है, कहीं आप कंफ्यूज हैं, तो अपने से कोई अनुभवी अगर व्यक्ति है तो उसकी सलाह लेने में कोई बुराई नहीं। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज को थोड़ा सिंदूर अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अगर थोड़ा सा आप फाइनेंशियल पोजिशन पर आज अगर आप ध्यान दें तो इट विल बी बेटर फॉर यू। आज होगा क्या, आज होगा ये कि आपके जो विचार हैं, आपके जो थॉट्स हैं, वो बार बार बदल सकते हैं। निश्चित तौर पे आज फाइनेंशियल सेक्टर की अगर बात करूं, आपके सामाजिक जीवन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें बदलाव हो सकता है, उन्नति हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का ध्यान करके गुड़ चने का प्रसाद बच्चों में बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कई परिस्थितियों में, सिचुएशंस में बदलाव हो रहा है और उस बदलाव के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास करें, बगैर किसी सिफारिश के अपने विचारों के बल पे, ज्ञान के बल पर अपने कैरियर में आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, आगे की राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक जुड़े हैं ब्यावर से, सुनील जी हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनकी जन्म की तारीख बताइए, जन्म का समय बताइए और प्रश्न पूछिए। हेलो जी सुनील जी, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हेलो, हाँ सर, पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा बेटा। जय श्री कृष्णा पंडित जी। 10/7/1985। 10 जुलाई। हाँ, 10/7। 10 जुलाई 1985। समय 1985, 8:05 का। सर आपने कल बताया था रेवती नक्षत्र के बारे में, जी जी के बारे में, और भारी मंगलिक है। हमने पंडित जी इनकी पूजा में इनके 10/7/1985 जी, हाँ, और हमने ना आपने रेवती नक्षत्र के बारे में बताया था और भारी मंगलिक बताया था हमने। मेरी सिस्टर के नाप का गुल भी तोला दे दिया गौ माता को तोल के, और उनके उज्जैन में पूजा बता रहे पंडित जी। किस चीज की पूजा है ये? उज्जैन में जिसके पूछे हमने, उज्जैन में उज्जैन में पूजा किस बात की बताइए? ये बात किस बात की बताई सिस्टर? मंगलिक के बारे में। नहीं नहीं, अच्छा, और हमने गुड़ दे दिया उनके तोल के बराबर गौशाला में। और वो गणमूल नक्षत्र की शांति,
कल मुझसे सर से रेवती की पूजा के बारे में पूछे पंडित जी, क्या होती है किस चीज? देखिए मैं बता देता हूँ, मंगलनाथ की पूजा बता रहा कोई, क्या मंगलनाथ की मंगल गौरी? देखिए बेटा ऐसा है सुनील, सबसे पहले तो रेवती नक्षत्र हर 27 दिन में नक्षत्र आता है, मेरे हिसाब से शायद अभी एक दो दिन बाद ही आने वाला है। तो इस रेवती नक्षत्र में शनि का दान जाता है, काला कंबल वस्त्र वगैरह दान जाते हैं, एक कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें चेहरे की परछाई देखते हैं, चांदी के मूल मूलनी की पूजा होती है, एक छोटा सा हवन होता है, दो ढाई घंटे की पूजा है, कोई भी विद्वान पंडित जो है वो इस पूजा को करवा सकता है। रेवती नक्षत्र गढ़मूल नक्षत्र, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, सामान वगैरह अगर सब लें और पंडित के 1000 रुपये दक्षिणा भी माने तो मैक्सिमम 3000 रुपये का खर्चा होगा, 3-4 हज़ार रुपये का, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। तो ये रेवती नक्षत्र की शांति करवानी है आपको, हर 27 दिन में नक्षत्र आता है, पंचांग के अंदर नक्षत्र आपको मिल जाएगा, तो जब भी आप कराना चाहें वो करवा लीजिए। मंगल की शांति के लिए ऐसा है कि उज्जैन के अंदर मंगलनाथ का एक मंदिर है, वहाँ पे जाके मंगल की शांति करवाई जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं और ऐसा वहाँ पे होता भी है। यदि उज्जैन जाके मंगल की शांति करा सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो अपने वहाँ पे भी खेजड़ी के पेड़ के दंड के समक्ष, खेजड़ी के पेड़ के नीचे, खेजड़ी के पेड़ की लकड़ियों के साथ में मंगल की शांति हवन यज्ञ संभव है, वो आप अजमेर में भी करा सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे इसका शनि उच्च का है, मांगलिक कुंडली है, सब चीज़ें अच्छी, एक इसके भाग्य स्थान का जो स्वामी है गुरु वो नीच का है। तो घर में केले का पौधा रखिए और बच्ची को बोलिए कि गुरुवार के दिन फास्ट रखे, गुरुवार का फास्ट रखे, और गुरुवार को केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक जलाए, जल अर्पण करे, कम से कम 11 परिक्रमा 11 21 51 परिक्रमा जो है वो केले के पौधे की करें, भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करते हुए ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए केले के पौधे की कम से कम 11 21 51 पूजा करें, बहुत जल्दी विवाह का भी योग बनेगा और जो बैड लक है, जो दुर्भाग्य है, उससे भी मुक्ति मिलेगी। तो दर्शकों अगर आपको भी कोई समस्या बहुत समय से सता रही है, उसका समाधान आप ढूंढ रहे हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। पंडित जी के लिए अजमेर से भी एक दर्शक जुड़े हैं, नरेश जी हैं, जो कि अपनी असिस्टेंट लॉ लवीना जी के लिए जानना चाहते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15/1/81 और जन्म का समय है सुबह का 4 बजे का। नरेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। सादर प्रणाम पंडित जी। जय श्री कृष्ण। इनका सुबह का 4 बजे का जन्म है, इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मतलब शादी के बाद में कोई भी सुख नहीं देखा नहीं, तो आगे जिंदगी भी कैसी रहेगी? देखिए बेटा ऐसा है कि ताली दो हाथ से बजती है, पति पत्नी के रिश्ते में सुख की अगर हम बात करें तो पति पत्नी दोनों उसके भागीदार हों जब सुख को प्राप्त होता हो। आपकी सिस्टर की जो भांजी जो आपने आप साली है शायद आपकी सिस्टर इन लॉ, उनकी जन्म कुंडली में दाम्पत्य घर का जो स्वामी है वो है शुक्र, धन भाव में बैठा है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो सिस्टर इन लॉ है अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली है। ये दुर्भाग्य की बात है कि पति उनके जो हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी की जो कदर नहीं करता है वो जीवन में बहुत ठोकर खाता है। इस बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है, मंगल उच्च का है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, कुंडली में किसी तरह का दोष नहीं है, समस्या सिर्फ एक ही है इसकी जन्म कुंडली में, 18 साल की राहु की मां दशा चल रही है, राहु की मां दशा सन 2012 से चल रही है और ये चलेगी 2030 तक। राहु की मां दशा, राहु इनके भाग्य स्थान में बैठा है, वो भी चंद्रमा के घर में, तो जब राहु भाग्य के स्थान में चंद्रमा के घर में बैठता है तो ग्रहण योग बना देता है। इस ग्रहण योग के कारण कभी कभी इनका जो भाग्य है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, समटाइम शी फील हैप्पी, समटाइम शी फील बैड। राहु की शांति के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवाएं, 5.5-7.5 रत्ती का चांदी में सीधे हाथ में रविवार के दिन, हो सके तो रविवार को भैरव जी के महाराज के दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, संभव नहीं हो तो कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं। पूर्ण दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए, पति पत्नी के बीच में अंडरस्टैंडिंग करने के लिए एक सरल सा उपाय अक्सर हम बताते हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ को बोलिएगा कि आपके उनके पति के सिरहाने के नीचे मांग में भरने वाला सिंदूर रखे, खुद के सिरहाने के नीचे कपूर की टिकिया रखे, सुबह उठ के स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में वो जो सिंदूर है
वो मांग में भर ले और थोड़ा सा बेडरूम में छिड़क दे और कपूर की टिकिया बेडरूम में जला दे। 40 दिन तक ये उपाय करें, पति पत्नी के बीच का जो रिलेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अच्छी हो जाएगी और मेरे हिसाब से आने वाला समय जो है इनकी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकता है। बाकी आप चिंता ना करें, ये तो मनुष्य जीवन है, इसमें उतार चढ़ाव चढ़ता है। रात आती है तो सुबह भी आती है, दिन भी आता है, शाम भी आता है, वैसे ही हमारे रिश्तों में भी उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन आने वाले समय में पूर्ण रूप से सुख की अनुभूति भी होगी। पंडित जी के लिए एक दर्शक और जुड़ी है हमारे साथ, पंजाब से अनु जी है, जो कि अपनी पुत्री प्राची के लिए जानना चाहती है। प्राची की जन्म की तारीख है 8/7/2000 और जन्म का समय है दोपहर का 2:50 का। अनु जी बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न पूछिए। आचार्य जी प्रणाम, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आचार्य जी इसकी पढ़ाई के लिए पूछना चाहती थी, ये प्लस टू के एग्जाम देने थे, वो टेंथ में एक पेपर से रह गई थी, प्लस टू का एग्जाम भी नहीं दे पा रही और ये बीमार भी बहुत रहती है, मुझे क्या करना चाहिए? देखिए अनुजी, इस बच्ची की जन्म कुंडली के अंदर एक तो कालसर्प दोष है, उस सर्प दोष की शांति आपको करवानी चाहिए इस बच्ची की, क्योंकि नहीं तो इसके हर काम में, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, उतार चढ़ाव का सामना इसको करना पड़ सकता है। वो शांति जो है वो उज्जैन में जाके भी हो सकती है, वो हरिद्वार में भी हो सकती है, पुष्कर में भी हो सकती है। राहु जो है, राहु मतलब सांप, और राहु की महादशा इसको चल रही है, राहु की महादशा सन 2027 तक चलेगी, जबकि ये लड़की बहुत भाग्यशाली है क्योंकि इसके भाग्य स्थान में सूर्य बुध बुध आदित्य योग मंगल के साथ बैठा है और बुध जो है वो स्वग्रही होकर बैठा है। इस बच्ची का लक फैक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक राहु की महादशा में से पास हो रही है। उस राहु का काम ही यही है, सांप टेढ़ा चलना, उतार चढ़ाव करना। एक गोमेद रत्न का पेंडेंट इस बच्ची के गले के अंदर डलवा दीजिए और इसको खूब हरे कपड़े पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए, साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान इस बच्ची का गौशाला के अंदर अवश्य करें। इसको बोलिए कि बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी, टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करें, सुबह और शाम दोनों टाइम 11-11 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, तुलसी जी में जल अर्पण करें, निश्चित तौर में विद्या में तो फायदा होगा ही, उसके साथ स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। तो चलिए दर्शकों, भी आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, हमारे जो दोस्त हैं कर्क राशि वाले, आज जो भी आपके फ्यूचर से रिलेटेड जो सपने हैं उनको साकार करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की जो नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स जो हैं, या ये बोलें किसी तरह की नाराजगी को अपने मन में आज प्रवेश मत करने दीजिएगा। आज के दिन के सफलता के लिए घर की दहलीज पर, घर की जो दहलीज होती है, घर की दहलीज पर दोनों तरफ एक एक छोटा चम्मच कच्चा दूध डालिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि है सिंह राशि, सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आसपास के लोगों से अनबन होने के आसार हैं, केवल उतना ही काम संभालिएगा जितना आपके लिए सहज हो। समझ गए बेटा, आज किसी भी प्रकार की डील बहुत सोच समझ कर सावधानी से करिएगा, धोखा हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए सफेद पुष्प पितरों की तस्वीर पर अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह कन्या राशि, कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में नई शुरुआत के योग बन रहे हैं, नया काम, नए लोगों से मुलाकात भी हो सकती है। स्टूडेंट्स जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए समय अनुकूल है और एक बहुत बड़ी चीज होती है कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो निश्चित तौर पर उस कॉन्फिडेंस के दम पर आप आगे बढ़ सकते हैं कोई भी चीज करने के लिए। आपको आज कोई टारगेट दे दिया है, जब हमारे अर्पित बाबू पहली बार टीवी के ऊपर, शो के ऊपर बैठे थे, तब कॉन्फिडेंस उस वक्त था, तभी तो आज इतने शो कर पा रहे हैं। तो हमेशा जब शुरुआत होती है तो थोड़ा सा हिचकिचाट, फिर कॉन्फिडेंस, और उसके बाद में हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। तो आज के दिन की सफलता के लिए अनाथ आश्रम में बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होता है।